नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। उरई जालान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपांशु समाधिया के नेतृत्व में शहर अध्यक्ष रेहान सिद्दीकी, हाजी ख्वाजा बख्श मंसूरी, फैजानुल हक, अल्पसंख्यक नेता अबरार अहमद, अयूब अंसारी, इंजीनियर मनमोहन सिंह, जिला पंचायत सदस्य उर्मिला सोनकर, समी जमुना दास, माता प्रसाद, राजेश डकौर आदि ने आज बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट भेंट कर बताया कि गत सोमवार को कानपुर देहात के मैथा तहसील के मांडौली पंचायत के चालहा गांव में कृष्ण गोपाल द्विवेदी की पत्नी प्रेमिला व बेटी नेहा को घर के छप्पर में जिंदा जलाने के मामले में जिन अधिकारियों का हाथ है उन अधिकारियों के सामने बुलडोजर के द्वारा छप्पर को तहस नहस किया गया तथा जलती हुई मां बेटी को छोड़कर अधिकारी भाग गए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई एवं पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ के सहायता राशि एवं आरोपियों की गिरफ्तारी एवं सजा की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा शासित योगी सरकार भय तथा उत्पीड़न का प्रतीक बनने लगी है। इसके लाइव न्यूज से गोविंद दाव की रिपोर्ट। अति कमांड के नाम पर उनको त्रस्त किया गया, उनको परेशान किया गया और एक बार नहीं 3-3 बार परेशान किया गया दमंगों के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर। वहां के प्रशासन ने अपने सामने उन बेटियों और माँ को जला के मार दिया। ये जिंदा निर्मम हत्या है। इस हत्या को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आखिर तक सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक लड़ाई लड़ेगी और इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालयों पर आज आंदोलनरत है, धरना प्रदर्शन कर रही है और महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि किस तरीके से प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं। मैं मौजूद है, वरिष्ठ कांग्रेसी है, हावी संतन से बात कर लेते हैं। मैम, मुकदमा दर्ज हो गया है, जो मांग की बर्बादी वो पूरी कर दी गई है, क्या लगता है आपको, क्या मांग है? देखिए, मुकदमा दर्ज होने की और मांग की बात तो एक तरफ है, वो तो सरकार मानेगी ही, लेकिन क्या इस तरह की घटना को कहीं भी इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि प्रशासन की मौजूदगी में वहाँ माँ बेटी जलती रही? जहाँ एक तरफ सरकार, जहाँ तक एक और सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा का दम भर रही है और आए दिन आप देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही है और इनमें किसी भी प्रकार का कोई लगाम नहीं लग रहा है। और जब माँ बेटी ने वहाँ आग लगा दिया तो वहाँ जो बुलडोजर वाला था उसने छप्पर को गिरा दिया और वो इतना बड़ा छप्पर नहीं था, प्रशासन चाहता तो वहाँ पर उसको आग बुझाई जा सकती थी, लेकिन वो मूक दर्शक बने देखते रहे। ये तो महिलाओं का सरासर अपमान है, ये उनके साथ ही, तो ये ऐसी सरकार को तो हटना ही चाहिए। तो ये थी हमारे साथ उपनेता खाबी संकेत का कहना है कि निश्चित तौर पर जो लापरवाही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।